हमने यहाँ पे क्लास फिनिश किया आपका, तो अभी आप क्लास में आपने जो सीखा, तो आपको क्लासेस कैसे लगी आपको यहाँ? थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ बता दीजिए, कहाँ से आए हैं और क्या आपका प्रोफेशन है और आपने क्या सीखा है क्लासेस में आपने? लेट्स स्टार्ट। मेरा नाम संपत पाटिल, मैं बराबर सांगली से हूँ लेकिन अभी पुणे में फिलहाल जॉब कर रहा हूँ। तो एक्चुअली मुझे शेयर मार्केट के लिए गाड़ी की खरीदा था, क्योंकि मार्केट में जाने के बाद मतलब ऐसा लॉस होता है, तो एक्चुअली ये डर जो था कि लॉस होता है, ये पहला कंसेप्ट यहाँ पे मेरा क्लियर हुआ कि यहाँ पे ऐसा लॉस का कंसेप्ट तो कुछ है नहीं। जो भी बोरा ऊपर है वो टेक्निकल के ऊपर डिपेंड है। अगर टेक्निकल नॉलेज आपको प्रॉपरली मिलता है तो आप मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं अच्छी तरह से। और जो टेक्निकल नॉलेज है वो आपने हमें अच्छी तरह से प्रोवाइड किया है, तो उसके वजह से हमें मार्केट में कैप्चर करने के लिए ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। तो जो भी आप टेक्निकल और फंडामेंटल क्लियर होता है कंसेप्ट, वो यहाँ पे ज्यादा अच्छी तरह से क्लियर हुआ है। एक चीज जो क्लास में अच्छा लगा आपको, एक चीज कोई एक पॉइंट आपको हाईलाइट करना हो क्लास में जो आपको अच्छा लगा? बोलते तो आपका कोऑर्डिनेशन में अच्छा है सर, आपके मतलब समझाने का जो टेक्निक है वो आप ब्रीफली समझाते हो, हर एक पॉइंट प्रॉपरली क्लियर होता है यहाँ पे। अच्छी बात, तो फ्यूचर स्टूडेंट्स को आप एक मिनट कर देना। डेफिनेटली सर। यस यस। केशव जी आपको कैसे, हाउ डू यू लाइक? मेरा नाम केशव है, मैं कोटक सिक्योरिटी से वर्क करता हूँ इसी मार्केट में, आई मीन इसी बिजनेस में। सो मैंने कहाँ से आए हैं आप? कोटक सिक्योरिटी। हाँ, आप रहते कहाँ से हैं? कहाँ से? पिंपले सौदागर। हाँ, क्योंकि आप बहुत दूर से आए ना, तो वहाँ से लोग जो है थोड़ा सा हेजिटेट फील करते हैं। पहले मैंने काफी रिव्यूज लिया, दूसरे क्लासेस का भी पूछा, बट वो उन लोगों का जो पैटर्न था वो डिपेंडेंसी था एक इंडिकेटर पे, या कोई भी एक इंडिकेटर या कोई भी इस टाइप से जो था। बट यहाँ पे मुझे ऐसी क्लास चाहिए था कि बेसिक से लेके चार्ट से लेके अगर विदाउट इंडिकेटर भी मुझे मार्केट को ट्रैक करना या मूव करना है कि मार्केट किस तरफ जाएगा, तो मैं ऐसे क्लास सर्च कर रहा था। सो फाइनली मैं आपसे भी मिला, भी एक दो बार पहले फोन में मैंने कई बार बात किया, पर्सनली मिला फेस टू फेस ये जानने के लिए कि ये होगा कि नहीं। कंपेयर करूं अगर फीस तो नॉमिनल मतलब नहीं है, अदर क्लासेस में रहता है, वो एक इंडिकेटर खुद सेल करते हैं, वन ईयर के बाद बोलते हैं, वन ईयर का सब्सक्रिप्शन फ्री देते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि आप मेरा इंडिकेटर 50,000 या 25,000 का आप बाय कर लीजिए और आप वो जो सिग्नल देगा आप कर लीजिए। सो अल्टीमेटली इंडिपेंडेंस नहीं हुई, तो मैं ये चाह रहा था कि इंडिपेंडेंट हो और यहाँ वो मुझे मिला कम्प्लीटली। और आपका जो सपोर्ट था डाउट क्लियरिंग सेशन से लेकर सब कुछ ऑसम। वन थिंग अगर मैं अगर आपका कहूँ तो आप जो भी पढ़ाते हैं वो प्रैक्टिकली जो चार्ट पे आप उसे शो करते हैं, जो थ्योरी सपोर्ट कर रहा है क्या, ऑल थिंग यानी डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स को आप पिक करते हैं, हम लोगों से पूछ कर उसे आप उस पर शो करते हैं कि ग्राफ का मूवमेंट क्या है, ट्रेंड क्या है, डाउनवर्ड था या अपवर्ड था। और ऐसे ही अगर आपने पढ़ाया तो उसका आपने उस शो करते हैं कि यहाँ से क्यों मार्केट डाउन हुआ, क्यों घूमा यहाँ से स्टॉक। सो ऑल दीज थिंग्स, दैट्स द बेस्ट पार्ट एक्चुअली। तो मतलब क्लास ज्वाइन करने से पहले जो आप थोड़ा हेजिटेंस कर रहे थे कि यहाँ से, तो आपका यस कंप्लीटली जो पिंपल सौदागर और पीसीएमसी से देख रहे हैं तो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हेजिटेंस मैटर नहीं करता। अगर आपका अगर वो क्लास सही है, अगर आपको वहाँ डाउट क्लियर हो रहे हैं तो रियली डजंट मैटर। यस यस। तो लोग आते भी है अभी भी बावधान से, वाकड़ से, लोग दूर दूर से भी आते हैं, अमरावती से भी आते हैं, डिपेंड करता है लोग। जी मैं यही पुणे में ही रहने वाला हूँ, तो मतलब पहले से मैंने बहुत सुना था कि शेयर मार्केट में रिस्क है और कोई कहता है कि अचानक से बहुत पैसे मिल जाते हैं, पर ज्यादा कुछ जानकारी नहीं थी, बहुत साल से करना चाह रहा था, तो सोचा अब समय है तो कर लू फिर। यस यस। तो सर्च किया गूगल पे तो आपका नाम दिखाई दिया, उस पर रेटिंग भी अच्छे थे, तो सोचा जाके देख लू। यहाँ आने के बाद बहुत सीखने को मिला कि एक्चुअल में होता क्या है, तो रिस्क होता है तो कैसे होता है, या फिर क्या 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 करके फायदा हो सकता है, कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो अच्छी तरह से सिखाया आपने। पर चलो अच्छी बात है, आप सीख उसको प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करके आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर धीरे धीरे करके आप जो है अच्छे स्टेप्स ले सकते हैं। तो आप लोगों ने जो फीडबैक दिया काफी वैल्यूबल है, तो मैं होप करता हूँ कि आपने जो फीडबैक दिया है और लोग देख रहे होंगे तो
तो उससे वो जज कर पाएंगे कि हमें क्लास में क्या इनपुट मिलेगा. सो आपका जो फीडबैक काफी वैल्यूएबल है, आप लोग टच में रहिए. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर एंड अटेंडिंग क्लासेस.